लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे झटके दे रहा है जिसकी वजह से उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली फौज की कमर टूटती जा रही है। पहले तो सैनिकों की जान का नुकसान, वहीं दूसरी तरफ नुकसान सैन्य उपकरणों और हथियारों का, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। इजरायली सेना को हिजबुल्ला के साथ अघोषित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और तो और, हिजबुल्ला अब इजरायल के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है, जिसकी वजह से इजरायल के भीतर सैन्य ठिकानों, हथियार कारखानों और फैक्ट्रियों जैसे अहम टारगेट अब हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 11 अगस्त 2024 को इजरायल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है। हिजबुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुबह करीब 7:30 पर अलमर्ज मिलिट्री साइट पर गोलीबारी की है। इसके बाद करीब 9:15 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल राहेब मिलिट्री साइट पर जमा हो रहे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिट्री साइट पर हिजबुल्ला ने IDF के जमावड़े पर सीधे रॉकेट दागे। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इजरायली सैनिकों के एक और जमावड़े पर अटैक कर दिया। और इसके तकरीबन 5 बाद ही हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में हिजबुल्ला ने IDF के जासूसी उपकरणों को उड़ाने का दावा किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में IDF के अल आलम सैन्य अड्डे पर भी कई जासूसी उपकरणों को ध्वस्त कर दिया है। और इसी सैन्य अड्डे पर शाम को करीब 4:22 पर कई रॉकेट भी फायर किए गए। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने एक बार फिर से अल मलिकिया सैन्य अड्डे पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन फायर कर दिया। और शाम होते होते करीब 7:20 पर हिजबुल्ला ने इजराइल लेबनान सीमा पर बसे अल जिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया। यहां पर भी इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। आपको बता दें कि इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने हिजबुल्ला को बहुत बड़ा झटका दिया था। दरअसल IDF ने अपने हवाई हमलों में 3 बड़े लड़ाकों को मार गिराया था। IDF ने लेबनान के ब्लिदा कब्जे में हिजबुल्ला के लड़ाके मोहम्मद हानी हैदर को ढेर कर दिया था। इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी IDF ने मार गिराया था। और इसके बाद लेबनान के बेतलेफ कस्बे के हुसैन गदबान की भी इजरायली सेना ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने अल ताइबे और मारोब कस्बे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि इस हमले में 5 इजरायली मूल के लोग घायल हुए हैं।